आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। बाबरी मस्जिद का सौदा करने वाले 5 जजों की तस्वीरों को कोई नहीं भूल सकता। जहां स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई की, वही रंजन गोगोई जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया और उन्हें इसका इनाम ये दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा मेंबर बना दिया गया। तो वही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ऐसे बोबड़े की जो कि बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने में आगे थे और तमाम तस्वीरों को लेकर के ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सबूतों के आधार पर ही बात की जाएगी। ऐसे बोबड़े की ये हार्ली डेविडसन की बाइक के साथ तस्वीर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इन्हें ये गिफ्ट की गई और ना जाने क्या क्या इनाम नहीं दिया गया। और ये तीसरी तस्वीर देख रहे हैं डिवाई चंद्रचूड़ की जो कि बाबरी मस्जिद के फैसले में जज थे और आज सीजीआई के तौर पर नियुक्त हैं। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं मुस्लिम जज अब्दुल नजीर की जिन्होंने अपनी ईमान का सौदा किया और बाबरी मस्जिद को बेच दिया। जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई तो अब इन्हें भी इनाम दिया गया है और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्हें राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई तो हर कोई एक ही सवाल करता हुआ दिखाई दिया कि कैसे इन जजों ने बाबरी मस्जिद का सौदा किया और किस तरीके से ये खेल बाबरी मस्जिद को लेकर के खेला गया है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। देश के 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को नए राज्यपाल मिल गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ नए चेहरों को राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बनाकर भेजा है तो कुछ राज्यपालों का ट्रांसफर भी किया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी राज्यपाल के 13 नामों की लिस्ट में जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है वो है जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर का। जस्टिस एस अब्दुल नजीर पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट जज के पद से रिटायर हुए। जस्टिस नजीर बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई करने वाले 5 जजों की पीठ का हिस्सा रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जिस पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद का फैसला दिया था, जस्टिस नजीर उसके दूसरे सदस्य हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकारी नियुक्ति मिली है। जस्टिस नजीर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बनाया जा चुका है। अब जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले के एक दूर दराज गांव से आते हैं। नजीर ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। स्कूली शिक्षा के तौर में ही पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के बावजूद नजीर ने हिम्मत नहीं हारी। ये गोदी मीडिया तमाम तस्वीरें दिखाता हुआ बता रहा है। फिर उसके बाद लॉ की डिग्री कर्नाटक अदालतों में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने रिटायरमेंट के मौके पर आयोजित समारोह में एक बात कही थी जो किसी का दिल छू लेगी। उन्होंने कहा था कि वो चाहते तो अयोध्या विवाद में बाकी 4 जजों के उलट अपनी राय रखकर अपने समुदाय को हारी बन जाते, लेकिन उन्होंने सर्वोपरि समझा। ध्यान पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल सभी 5 जजों ने एक मत से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया था। जस्टिस नजीर 3 तलाक के खिलाफ भी फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट बेंच के भी सदस्य रहे थे। 13 राज्यपालों की ताजा लिस्ट में शिव प्रताप शुक्ला, लक्ष्मण आचार्य, बनारस गोलबा चंद्र कटारिया, लेफ्टिनेंट जनरल त्रिविक्रम पांडे समेत कुछ शख्सियतों को पहली बार राज्यपाल बनाया गया है। इसी लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल है। वहीं फागू चौहान, अनुसुईया उइके, रमेश बैस आदि को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया गया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है।
जहां वाईएसआर कांग्रेस का शासन है और मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी है, केंद्र की सत्ता में आसीन बीजेपी की नजर दक्षिण राज्यों पर है। पार्टी आंध्र प्रदेश में भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। जस्टिन नजीर खुद दक्षिण के राज्य कर्नाटक से हैं। इस कारण बीजेपी को आंध्र प्रदेश में अपना मकसद साधने में आसानी हो सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद जो है हंगामा मचा हुआ है, जिस पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया और इस दबाव में निर्णय लेने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। ज्ञात हो कि जस्टिस नजीर साल 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाने वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच का हिस्सा थे, जिस पर राशिद अलवी ने कहा, लोग बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। लोग खुल करके कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वह फैसला केंद्र सरकार के दबाव में सुनाया था। न्यायपालिका को हमारे संविधान के आर्टिकल 50 के अंतर्गत स्वतंत्र संस्था होना चाहिए। राशिद अलवी ने सत्तारूढ़ भाजपा पर देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही उनका कहना है कि जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद लोगों का न्यायपालिका पर से पूरी तरीके से विश्वास उठ गया है। ज्ञात हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जस्टिस एस ए अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी राज्यों से आने वाले देश के पहले मुख्य न्यायाधीश ने यहां अन्य कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। 46वें मुख्य न्यायाधीश पर अपने कार्यकाल के दौरान विवादों का कारण बनने वाले मामले में भी शामिल रहे। इसके साथ ही उन्होंने इस आरोप का जोरदार खंडन किया कि बाबरी मस्जिद का सौदा करने के लिए उन्हें राज्यसभा में नामांकन किया गया। असम के डिब्रूगढ़ से आने वाले गोगोई 3 अक्टूबर 2018 को सीजीआई बनाए गए थे और 17 नवंबर 2019 को पदमुक्त हुए थे। इसे किताब गोगोई में अपने जीवन का और करियर के दौरान नाटकीय घटनाक्रमों का वर्णन किया गया। उनके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले के कुख्यात संवाददाता सम्मेलन, यौन उत्पीड़न के आरोप पर टेबलेट आए, पत्रकारिता के असर से जुड़ी घटनाएं भी शामिल थी। इसमें उन्होंने सीजीआई बनने के सफर, ऐतिहासिक मामलों और न्यायिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात की और देश की कानून व्यवस्था के बारे में जो सबक सीखे हैं इसके बारे में भी बात की थी। गोगोई ने अपनी इस आत्मकथा में कई अहम बैठकों, वार्ताओं और व्यक्तिगत लड़ाइयों को भी जिक्र किया। इसमें उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान, राहुल गांधी के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही, सबरीमाला, एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और अयोध्या के फैसले को लेकर के भी बात की। बाबरी मस्जिद फैसले पर उन्होंने कहा था कि एक जिम्मेदारी थी जो मेरे पूर्ववर्ती ने मुझे दी थी और एक तारीख तय की थी कि मेरे पास भागने या लड़ने के दो विकल्प थे, मैंने लड़ना चुना। और उन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने के बाद हम लोगों ने एक आलीशान होटल में पार्टी की थी और महंगी से महंगी शैंपेन मंगाई थी और फिर उसके बाद अपने दिमाग को शांत किया था और एक के बाद एक इनाम देना, यह साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने ईमान को बेच करके बाबरी मस्जिद का सौदा किया था। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।